नेडा के संयोजक तथा भाजपा के दिग्गज नेता डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट से कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जानकारी के अनुसार हेमंत विश्व शर्मा के नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान पूर्वोत्तर के कई मुख्यमंत्री उनके साथ उपस्थित रहने वाले हैं। सबसे बड़ा नामांकन हेमंत विश्व शर्मा कल भरेंगे पर्चा। जालुकबाड़ी सीट से करेंगे नामांकन दाखिल। पूर्वोत्तर राज्य के सीएम भी रहेंगे मौजूद। असम विधानसभा के तीसरे चरण के 40 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की कल आखिरी तारीख है। आज कई दिग्गजों ने अपने पर्चे भरे, लेकिन कल का दिन कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि कल जालुकबाड़ी से असम की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा, भाजपा के शीर्ष नेता व पार्टी के संकट मोचन डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा पर्चा भरने वाले हैं। अपनी पार्टी के अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में दिन रात प्रचार करने वाले मंत्री हेमंत विश्व शर्मा कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कल की तस्वीर देखने लायक होने वाली है, क्योंकि कल मंत्री हेमंत विश्व शर्मा के नामांकन दाखिल करते वक्त न सिर्फ असम के बड़े दिग्गज बल्कि पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के सीएम भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। जी हां, कल का दिन मंत्री शर्मा के लिए खास होगा, इसीलिए नेडा संयोजक का साथ देने के लिए नेडा से जुड़े पूर्वोत्तर के दूसरे राज्य के सीएम भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। खबरों के अनुसार पर्चा भरने से पहले मंत्री हेमंत विश्व शर्मा सोनाराम फील्ड से डीसी ऑफिस तक पद यात्रा भी करेंगे, जिसमें उनके साथ असम के मुख्यमंत्री समेत भाजपा की सहयोगी पार्टियों के कई बड़े नेता भी साथ रहने वाले हैं। असम की राजनीति में मंत्री हेमंत विश्व शर्मा का कद कितना बड़ा है, इसका अंदाजा चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें मिल रहे लोगों के प्यार से ही लग जाता है। असम में भाजपा को मजबूत करने में मंत्री शर्मा की जो भूमिका है वो किसी से छिपी नहीं। मंत्री शर्मा हमेशा से जनसंपर्क और प्रबंधन में माहिर माने जाते हैं, इसीलिए तो गेम चेंजर के नाम से मशहूर मंत्री शर्मा के बड़े दिन में दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी उनका साथ देने कल गुवाहाटी आ रहे हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।